नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आज खास पेशकश में बात होगी यूसीसी की, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा देश में चर्चा जिस कानून की हो रही है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी, हिंदी में जिसे समान नागरिक संहिता कहते हैं, मोटे तौर पर जिसका मतलब है एक देश एक कानून, यानी पूरे भारत में हर किसी को समान अधिकार मिलेंगे। संपत्ति, शादी जैसे मसलों पर, जाति धर्म जनजाति आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। ऊपर से देखने में ये एक आदर्श स्थिति लगती है, सब एक होंगे, सबके पास समान अधिकार होंगे, किसी को क्या दिक्कत होगी। अमेरिका जिसे दुनिया का सबसे सफल और सबसे विकसित लोकतंत्र माना जाता है, अगर अमेरिका में यूसीसी का प्रावधान है तो अपने देश में इसका विरोध क्यों? बावजूद इसके सब समझते हैं भारत जैसे देश में यूसीसी का सफर आसान नहीं होने वाला। भारत में अमेरिका की तुलना में विविधता ज्यादा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कई राज्यों में जनजातियों की संख्या काफी ज्यादा है। भारत में लोगों का अपने अपने धर्म से जुड़ाव ज्यादा है, कहा जा सकता है धार्मिक परंपराओं से लगाव कट्टरता की हद तक है। छोटे छोटे धार्मिक मसलों पर हिंसक झड़प आम बात है। कानून व्यवस्था बनाए रखना बड़ी चुनौती बन जाती है। इन पर जोरदार सियासी घमासान देखने को मिलता है, जो चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने की बड़ी वजह बन जाते हैं। ऐसे हालात में भारत में यूसीसी को लागू करवाना बड़ी चुनौती है। हर कोई इसे समझ रहा है, मगर केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बड़े फैसले लिए, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना, तीन तलाक खत्म करना, अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े मसलों को निर्णायक स्तर तक ले जाना, हर फैसले ने हैरान किया, हर फैसले ने एक तबके को परेशान भी किया, लेकिन ये सब हुआ, इसे देशहित में जरूरी बताया गया। अब जो हालात बनते दिख रहे हैं, कहना गलत नहीं होगा, यूसीसी पर बड़ा फैसला आ सकता है। यूसीसी को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। समान नागरिक संहिता पर सावधान वाले हालात है, जो पक्ष में है, जो विरोध कर रहे हैं, सबके सब अलर्ट नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी के बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं। समान नागरिक संहिता पर फाइनल राउंड वाले हालात दिख रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार बड़ा दाव खेलने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार मानसून सत्र में यूसीसी का बिल संसद में पेश कर सकती है। सरकार ने संसद में बिल से जुड़ी सारी तैयारी कर ली है। यूसीसी संबंधी बिल संसदीय समिति को भी भेजा जा सकता है। 3 जुलाई को संसदीय स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सांसदों की राय ली जाएगी। इस मुद्दे पर विधि आयोग, कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। विधि आयोग द्वारा यूसीसी पर आम लोगों से सुझाव मांगने के मुद्दे पर बातचीत होगी। 14 जून को विधि आयोग ने बजट जारी करके इस मसले पर लोगों से 30 दिनों के अंदर सुझाव मांगा। आयोग ने पूछा क्या इस देश में समान नागरिक संहिता की कोई जरूरत है या नहीं, अगर जरूरत है तो क्यों जरूरत है, और अगर जरूरत नहीं है तो क्यों जरूरत नहीं है। इन सुझावों को कोई भी भारतीय नागरिक, सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक पार्टियां लिखित रूप से अपने विचार भेज सकता है। 30 जून तक आयोग को 8,00,000 से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। 15 जुलाई आखिरी तारीख है। संसद का मानसून सत्र 17 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 10 अगस्त तक चल सकता है। अब संकेत साफ है, आगामी मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता पर जबरदस्त घमासान देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में यूसीसी का जिक्र बहुत पहले से है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर खुलकर बोला है, तब से माहौल गर्मा गया है। हर किसी को लग रहा है पीएम नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा दाव चल दिया है। पीएम मोदी ने भोपाल में बीजेपी के जिस कार्यक्रम में यूसीसी पर बयान दिया, उस कार्यक्रम में देश भर के 10,00,000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता जुड़े थे।
इतने बड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का यूसीसी पर बयान बहुत मायने रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है, एक देश में दो तरह के कानून देशहित में नहीं माना जा सकता। समान नागरिक संहिता देश के लिए जरूरी है। ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितेशी होते तो अधिकांश परिवार मेरे मुस्लिम भाई बहन शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे, और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमंदा मुसलमान भाई बहन है, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन है उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। तो पीएम नरेंद्र मोदी को आपने सुना, पीएम के इसी बयान पर सियासी और धार्मिक बहस छिड़ गई है। कांग्रेस के साथ सभी विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हैं। राजनीतिक लाभ के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। पहले लॉ कमीशन का सर्वे और अब मानसून सत्र में बीजेपी की यूसीसी वाली तैयारी की खबर से सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है, इस वक्त देश की प्राथमिकता यूसीसी है ही नहीं। सुनिए। ना स्याही, ना कलम, ना पुस्तक, ना मसौदा, ना नीति, कहां है यूसीसी? सिर्फ यूसीसी यूसीसी कह के पोलराइजेशन का राजनीति करना चाहते हो? पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन और पॉलिटिक्स ऑफ डाइवर्जन का युग समाप्त हो गया, अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का युग आ चुका है। और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में देश का युवा ये पूछ रहा है कि आप यूसीसी यूसीसी कर रहे हो, पर मुझे अभी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, मुझे महंगाई से त्रस्त जो चीज है, 411 वाला सिलेंडर जो 2014 में होता था वो आज 1150 में मिल रहा है, मुझे वापस 411 का चाहिए। लोगों की प्राथमिकताएं ये है। और यूसीसी पे मैं बोल रहा हूं, बिना कलम, बिना स्याही, बिना किताब, बिना कापी, बिना मसौदा, बिना नीति, कौन सी यूसीसी? 2018 में जिस यूसीसी के लिए विधि आयोग ने लिखा अगस्त 2018 में कि अभी यूसीसी की देश में कोई जरूरत नहीं है, तो 2018 के बाद ऐसी चीजें क्या बदली पिछले 4 साल में कि आज प्रधानमंत्री जी को यूसीसी की बात कर? संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें ये कहा गया है कि ये डिजायरेबल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एस्पिरेशनल है, वो कोई मैंडेटरी नहीं है। दूसरा, जो भारत की विविधता है, भारत की विविधता को मुख्य रखते हुए सबसे पहले तो इस बात पे बहस करने की ज़रूरत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अब इस देश के बहुत बड़े समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे अगर आप सिख समुदाय की बात कर लो, मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ जहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की सृजना की थी 13 अप्रैल 1699 को।
अब भारत के कानून ने, भारत की संसद ने आनंद मैरिज एक्ट बनाया है। तो अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो उस आनंद मैरिज एक्ट का क्या औचित्य होगा? इसी तरह से हिंदू धर्म में ही अलग अलग पद्धतियां हैं जिसके तहत विवाह होते हैं, जिसके तरफ तहत इनहेरिटेंस और बाकी चीज़ों को मुकर्रर किया जाता है, और भारत के कानून में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो सही, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है और जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है वो अपने आप में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का औचित्य क्या है? ये तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ डॉग विसल, यू नो, इट इज एन अटेम्प्ट टू अदर द अदरनेस ऑफ द अदर। इसका कोई औचित्य नहीं है, ये ध्रुवीकरण का एक और मसौदा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इतना सेंसिटिव और महत्वपूर्ण विषय है, इसके ऊपर कोई अंतिम निर्णय लेने के लिए पहले सरकार एक अपना पक्ष रखें कि क्या वो प्रस्ताव रख रहे हैं, क्या क्या रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हैं, और उसके बाद फिर जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उसमें समय लग सकता है, समय दे। कानून कोई रोज़ रोज़ नहीं बदलता, तो इसके लिए आवश्यक है कि सभी स्टेक होल्डर्स से व्यापक विचार विमर्श करने के बाद एक आम सहमति बनने पर वही आगे बढ़ाया जाए और बाकी को नहीं किया जाए। तो कांग्रेस नेताओं को आपने सुना, समान नागरिक संहिता पर कांग्रेस को बेशक लगता हो इसे देश में लागू करना आसान नहीं, इसके लिए ये सही समय नहीं, मगर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड साफ है। बीजेपी के संकल्प पत्र का हिस्सा रहा है यूसीसी, बीजेपी इसे लागू करवाने का प्रयास जरूर करेगी। यूसीसी हमारी प्राथमिकता पे है, हमारे संकल्प पत्र में है, और उस संकल्प पत्र के कारण ही हमें लोगों ने बहुमत दिया था और हमारे सत्ता में है, इसलिए हमारी प्राथमिकता है कि यूसीसी लागू करना। और यूसीसी के बारे में अगर देखा जाए तो आज़ादी के बाद अनेक लीडरों ने, अनेकों सभी पार्टियों ने इसका समर्थन भी किया है। यूसीसी से किसी का भी नुकसान नहीं होने वाला, हर जाति धर्म मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सभी को लाभ होगा, देश एक रूपता से मजबूती से विकास करेगा तो उस विकास का सभी को फायदा होगा। इस कारण से यूसीसी लागू करना हमारी प्राथमिकता है, और सबसे सलाह भी ली जाएगी और चर्चाएं भी होगी, लीगली ऑप्शन भी देखे जाएंगे, सभी चीजें करके यूसीसी लागू करने का प्रयास किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आधे दर्जन से ज्यादा मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। शाहबानो का जो केस था, सरला मुदगल का जो केस था, इन और ऐसे और तीन चार केस है जिसमें कोर्ट ने बार बार इस बात को दोहराया। फिर भारत का जो संविधान है उसके सेक्शन 44 के अंदर इस बात का उल्लेख कि सरकारों को कॉमन सिविल कोड लागू करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। और मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि अगर लड़का लड़की की विवाह की आयु क्या होनी चाहिए, अगर हिंदू मुसलमान सबों के लिए अगर एक आयु निर्धारित होती है, इसमें किसमें लॉ कमीशन अपने अधिकार क्षेत्र में है कि वह लोगों से राय मांगे, और लॉ कमीशन इसी अधिकार के अंतर्गत लोगों से राय मांग रहा है। और यूसीसी के बारे में मेरी जो जानकारी है लगभग 8 लाख से ऊपर लोगों ने अपनी राय दी है, अभी समय है, कुछ और लोग भी अपनी राय भेजेंगे और उनके सबके आधार पर वह अपनी रिकमेंडेशन देंगे। तो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों से जुड़ी। एक बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड की सरकार ने पिछले साल 27 मई को सूबे में समान नागरिक संहिता पर काम शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है। कमेटी ने यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। राज्य में रहने वाले, राज्य के बाहर रहने वाले नागरिकों की राय ले ली गई है। इस मसले पर तमाम स्टॉक होल्डर से बात करके ड्राफ्ट तैयार किया गया है। तब से लेकर अब तक कमेटी 63 अलग अलग बैठकें कर चुकी है। कमेटी द्वारा एक उपसमिति बनाई गई थी, उपसमिति से अपेक्षा की गई
कि वो आम जन के विचार आमंत्रित करे, उसे जानने की कोशिश करे। कमिटी ने यह काम प्रारंभ किया और सबसे पहले जो सीमांत गांव है और जो ट्राइबल गांव है, अनुसूचित जाति से बाहुल्य गांव है माना, वहां सब कमेटी गई और उसके पश्चात पूरे उत्तराखंड के सभी जिलों में जाकर सब कमेटी ने लोगों से चर्चाएं की, उनके विचार जाने। इस कड़ी की आखिरी मीटिंग 24 जून 2023 को दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें नेशनल कैपिटल रीजन में रहने वाले लोगों जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनको आमंत्रित किया गया और उनके भी विचार सुने गए। उपसमिति ने 143 अलग अलग बैठकें की, जो कि क्षेत्रों में भी थी और देहरादून में भी। जो समिति है, जो विशेषज्ञ समिति है, उनके द्वारा यह कोशिश की गई कि सभी राजनीतिक दलों, जो धर्म, विभिन्न धर्म के जो 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 प्रणेता हैं, जो लोग हैं, उनसे अलग अलग बात की जाए। और इसी कड़ी में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उत्तराखंड की, अलग अलग कमीशन हैं, उनसे भी समिति ने इंटरेक्शन किया। तो उत्तराखंड में यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होना बड़ी बात है। अब पूरे देश की नजर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर रहने वाली है। वो आगे क्या फैसला लेते हैं, कैसे इस मुश्किल काम को पूरा करते हैं, हर कोई जानना चाहेगा। हम उसका अवलोकन करेंगे, हमारे जो इस विषय के जानकार हैं उन सभी से चर्चा करेंगे, बात करेंगे, उसके बाद जो आगे की कार्रवाई होती है उसको आगे की कार्रवाई में बढ़ाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से चूंकि देवभूमि उत्तराखंड को ये दायित्व मिला कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें, उसके लिए कमेटी बनाएं, और सबसे बड़ी बात है कि भारत की धारा, संविधान की धारा 44, उसमें प्रावधान है कि एक समान कानून सब जगह होना चाहिए, और इसके लिए हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस आम चुनाव में, विधानसभा में, हमने उनके सामने ये प्रस्ताव उत्तराखंड की जनता के सामने रखा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपना बहुमत दिया, अपना समर्थन दिया, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सेवा का मौका देकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में, उनको बनाने की दिशा में उन्होंने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जिन बातों का प्रावधान किया, धारा 44 में जिसका उल्लेख किया है, वो लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य को अवसर मिल रहा है। तो समान नागरिक संहिता को लेकर हर कोई सावधान मोड में नजर आ रहा है। समाज के हर वर्ग में बहस तेज हो चुकी है। सभी धर्म के लोगों में इस बात पर चर्चा हो रही है उनके निजी कानूनों पर यूसीसी का क्या असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यूसीसी को लेकर केवल मुस्लिम वर्ग में ही असंतोष है। हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई और सबसे ज्यादा परेशानी आदिवासी समाज के बीच देखने को मिल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने का मतलब होगा भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो। हर धर्म, जाति, लिंग के लिए एक जैसा कानून होगा। यूसीसी लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे। अब जो आपको बताने जा रहे हैं इसे जानना बहुत जरूरी है ताकि आप यूसीसी को बेहतर तरीके से समझ पाए। समान नागरिक संहिता भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है, समझिए इसे। संविधान में इसे नीति निदेशक तत्व में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है, जिम्मेदारी है। यूसीसी के विरोध में संविधान के अनुच्छेद 25 का जिक्र बार बार आता है। संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने, प्रचार करने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र पहली बार शाहबानो केस में हुआ था, जब शाहबानो केस में फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक कॉमन सिविल कोड होना चाहिए।
1985 में शाहबानो केस के बाद ही यूसीसी बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। समान नागरिक संहिता से समाज का हर वर्ग प्रभावित होगा। हिंदू समाज का विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 जैसे कानूनों को संशोधित करना होगा। इसके तहत अनुसूचित जनजातियों से जुड़े जो स्पेशल छूट के प्रावधान हैं, वो खत्म हो जाएंगे। इसी तरह सिख धर्म में शादी से संबंधित कानूनों में बदलाव करना होगा। 1909 के आनंद विवाह अधिनियम में तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। तलाक के लिए उन पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है। अगर यूसीसी आता है तो सिखों का आनंद विवाह अधिनियम खत्म हो सकता है। इसी तरह ईसाई तलाक अधिनियम 1869 के तहत आपसी सहमति से तलाक देने से पहले पति पत्नी को कम से कम 2 साल तक अलग रहना अनिवार्य है, जरूरी है। 1925 का उत्तराधिकारी अधिनियम माताओं के मृत बच्चों की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं देता है, सारी संपत्ति पिता को मिल जाती है। यूसीसी आने पर ये सारे प्रावधान बदल जाएंगे। यूसीसी को लेकर सबसे जोरदार विरोध मुस्लिम समाज की ओर से देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर यूसीसी को समझाने की हमने कोशिश की। राय आपको बनानी है, समझना आपको है। जब ये कानून आएगा उसके बाद भारत की क्या तस्वीर होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।